गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मोहित अरोड़ा। और लास्ट ईयर का जो एग्ज़ाम पेपर था उसको अपने डिस्कस कर रहे थे, तो 1-1 मार्क्स वाले सभी क्वेश्चंस जो हैं अपने हमने कर लिए थे। अब बात कर रहे हैं अपने 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस की, ठीक है। तो 2-2 मार्क्स वाले अपने क्वेश्चन करते हैं, जो कि स्टूडेंट्स ये टोटल क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन जो दिए हुए हैं, जिनमें से आउट ऑफ 7 करने हैं, आउट ऑफ 9 7 क्वेश्चन हमें करने हैं, सभी 2-2 मार्क्स के हैं। तो सभी क्वेश्चन को 1 by 1 अपन डिस्कस कर लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, राइट टू एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग के बहुत सारे एडवांटेज हैं, लेकिन अपने को यहाँ पर दो ही पूछे हैं तो अपने दो बता देंगे, कोई बात नहीं। फार्मर कैन रिड्यूस देयर प्रोडक्शन कॉस्ट बिकॉज दे डोंट नीड टू बाय एक्सपेंसिव केमिकल और फर्टिलाइजर, ठीक है। जब आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो आप क्या करते हैं, फार्म पर ही FYM और कंपोस्ट प्रिपेयर कर लेते हैं, फर्टिलाइज़र जो है वो प्रिपेयर कर लेंगे। जैसे आपका ट्राइकोडर्मा वगैरह आप ला सकते हो बाज़ार से, ट्राइकोडर्मा तो बाय इंसेक्टिसाइड के तौर पर काम होगा, आप राइजोबियम वगैरह का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप जो है और जो नीम वगैरह का आप केमिकल बना सकते हो, ठीक है। इसके अलावा और भी जो चीज़ें फार्म के अंदर प्रोड्यूस हो सकती हैं, ठीक है, उसको आप प्रिपेयर कर सकते हो, तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी स्टूडेंट। सेकंड है, इम्प्रूवमेंट इन फर्टिलिटी स्टेटस ऑफ सोयल। सोयल की फर्टिलिटी क्या है, पहले से काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। और नेक्स्ट दिया हुआ है, इम्प्रूव सोयल स्ट्रक्चर इन लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए सोयल का स्ट्रक्चर जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। ऑर्गेनिक फार्म सेव एनर्जी, एनर्जी को सेव करते हैं, एंड प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, पूरे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। फोर्थ आ जाएगा, इट कैन स्लो डाउन ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग को स्लो डाउन कर देते हैं, फ्यूअर रेजिड्यू इन सोयल, और जो उनका रेजिड्यू है वो बहुत कम बचता है। जनरली होता क्या है, जब हम अपने फील्ड में केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं स्टूडेंट, तो केमिकल फर्टिलाइज़र का पूरा यूज़ प्लांट कर नहीं सकते। ये मानिए कि 30-50% करीब करीब यूज़ होता है, बाकी सारा वो ज़मीन के अंदर पड़ा रहता है, जिससे क्या है, फिर पानी के साथ घुलकर वो क्या करता है, सोयल पोल्यूशन करता है। वाटर जो रिसोर्सेज हैं हमारे वो पोल्यूशन होते हैं। तो इस वजह से क्या है, अगर अपने ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो इसमें क्या है, बहुत नामात्र रेजिड्यू जो बचते हैं, बाकी सब का क्या है, प्लांट यूज़ कर लेते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा एडवांटेज है, दो ही करने थे अपने को, 4-5 कर लिए। 25 क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म क्रॉप रोटेशन, ठीक है। क्रॉप रोटेशन क्या होता है स्टूडेंट, क्रॉप रोटेशन को अपने देख लेते हैं स्टूडेंट, सॉरी। क्रॉप रोटेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग ए सीरीज ऑफ डिससिमिलर और डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप इन द सेम एरिया इन सिक्वेंस सीजन, ठीक है। एक फिक्स एरिया के ऊपर आप बदल बदल कर सीजन में क्रॉप ले रहे हैं, तो उसको बोलते हैं स्टूडेंट क्रॉप रोटेशन होना, ठीक है। सिक्वेंस सीजन के अंदर लाइक आपने इस साल मस्टर्ड बोया है, ठीक है, मस्टर्ड के बाद आप हो सकता है राइस बो दें या कॉटन बो दें, नेक्स्ट साल आपने मस्टर्ड की जगह वीट बो दिया, तो आपने क्या है, सिक्वेंस चेंज कर दिया क्रॉप का। इट इज़ डन सो दैट द सोयल फार्म इज़ नॉट यूज फॉर ओनली वन सेट ऑफ न्यूट्रिएंट, ठीक है। इससे होगा क्या कि आपको बदल बदल कर क्या है, न्यूट्रिएंट मिलते रहेंगे, आपकी ज़मीन को एक ही न्यूट्रिएंट ज़्यादा नहीं मिलेगा। इट हेल्प इन रिड्यूसिंग सोयल इरोजन, इससे क्या होता है, सोयल इरोजन भी कम होगा। क्यों, बिकॉज अगर आप डीप रूटेड वाली कोई क्रॉप लगाते हैं, उसके बाद जो शैलो रूट वाली क्रॉप होते हैं, तो उससे क्या है, आपका इरोजन का ख़तरा कम हो जाता है। एंड इंक्रीज सोयल फर्टिलिटी, अलग अलग फर्टिलाइज़र जब आप यूज़ करेंगे तो आपकी फर्टिलिटी इंक्रीज होगी, एंड क्रॉप यील्ड, आपकी क्रॉप यील्ड भी इम्प्रूव हो जाएगी स्टूडेंट, ठीक है। जनरली जब आप क्रॉप रोटेशन का यूज़ करते हैं तो 10-15% आपकी यील्ड इंक्रीज होती है स्टूडेंट। 26 क्वेश्चन की बात करें, इनलिस्ट मेजर मेथड ऑफ इरिगेशन, ठीक है। मेजर मेथड जो इरिगेशन के, उसको अपने डिस्कस करना है, तो उसको अपने देख लेते हैं। जो मेजर मेथड है, सिर्फ नेम नेम अपने को पूछा गया, इनलिस्ट ही करना है। तो इरिगेशन वाटर कैन अप्लाई टू क्रॉप लैंड यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग इरिगेशन मेथड है। तो फर्स्ट है सरफेस इरिगेशन। अब सरफेस का मतलब है ज़मीन के ऊपर, ठीक है। तो ज़मीन के ऊपर कौन कौन से मेथड हैं, फर्स्ट है अनकंट्रोल्ड और वाइल्ड और फ्री फ्लडिंग मेथड, ठीक है, कि पूरे खेत को आपने समतल किया और मतलब स्टेट कर लिया उसको, और उसमें डायरेक्ट पानी लगा दिया बिना कोई नाली क्यारी बनाए, उसको बोलते हैं अनकंट्रोल्ड फ्लडिंग मेथड। सेकंड है बॉर्डर स्ट्रिप मेथड,
खेत के चारों तरफ आप बॉर्डर बना देते हैं या बीच में, बॉर्डर में बीच के अंदर दो पार्ट में, फोर पार्ट में डिवाइड कर देंगे, तो वो हो गया आपका बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। तीसरा है चेक मेथड। स्टूडेंट ये चेक मेथड नहीं होगा, एक्चुअल में चेक बेसिन मेथड होता है, जिसका मतलब है क्यारी विधि। ठीक है, क्यारियां बना देना और क्यारियों के अंदर पानी दे देना, उसको बोलते हैं चेक बेसिन मेथड। ठीक है, नेक्स्ट है अपना रिंग मेथड। रिंग मेथड क्या होता है कि एक पेड़ है, मान लो कोई फ्रूट का पेड़ है, तो उसके चारों तरफ एक रिंग बना देना और उसमें पानी लगा देते हैं, नेक्स्ट वो फिर आगे वाले रिंग में चला जाता है। ठीक है, मैंने वो इरिगेशन वाले लेसन में प्रॉपरली समझाया भी है इसको, तो उसको बोलेंगे रिंग मेथड। नेक्स्ट है फैरो मेथड। फैरो मेथड क्या है कि आप पूरे खेत में मेड़ बना दोगे, मेड़ के साथ एक नाली, फिर एक मेड़, फिर एक नाली, फिर एक मेड़। मेड़ को बोलते हैं रिज। ठीक है, रिज बोलते हैं इंग्लिश में। तो एक आप ट्रेंच बना लोगे, ट्रेंच मीन्स नाली, और एक क्या हो जाएगी रिज। इस तरह से पूरे खेत को फैरो में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारे मेथड ज़मीन के ऊपर का यूज़ होते हैं। नेक्स्ट मेथड है सब सरफेस मेथड। सब सरफेस का ज़मीन के नीचे अंडरग्राउंड पाइप डालकर क्या है इरिगेशन कर सकते हैं, उसको बोलते हैं सब सरफेस इरिगेशन। थर्ड है आपका स्प्रिंकलर इरिगेशन, मतलब फुहारे से सिंचाई करना। ये अंडरग्राउंड फुहारे लगाए जाते हैं और फुहारा चलता ऊपर है लेकिन पाइपें अंडरग्राउंड लगती हैं। ठीक है, फोर्थ है आपका ट्रिपल इरिगेशन। ये भी क्या है आपकी अंडरग्राउंड इसकी फिटिंग होती है, पाइप ज़मीन से ऊपर रहेंगी लेकिन फिटिंग अंडरग्राउंड होगी, उसको बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन, जो बूंद बूंद करके क्या पानी क्या है पौधों को पहुंचेगा। और लास्ट है मटका इरिगेशन। मटका इरिगेशन का क्या है स्टूडेंट कि एक मटका है, उसके अंदर छेद कर लो आप, वो पौधे के पास आप मिट्टी खोद कर मटका नीचे रख दो, तो बूंद बूंद करके पानी उसमें जाता रहेगा, उसको मटका इरिगेशन बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गए अपने सारे मेथड। नेक्स्ट है डिफाइन पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में बताना है, तो खाली अपने को वैसे ही परिभाषा के तौर पर ही पूछा गया, तो अपने बात कर लेते हैं। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी इज इंटर डिसिप्लिनरी साइंस और टेक्निक अप्लाइड टू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आफ्टर हार्वेस्ट फॉर इज प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन करना, कंजर्वेशन करना, प्रोसेसिंग करना, पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग एंड यूटिलाइजेशन टू मीट द फूड एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल इन रिलेशन टू देयर नीड। ठीक है, तो इन्होंने थोड़ी सी रेफरेंस डेफिनेशन दी है कि जो पोस्ट हार्वेस्ट है टेक्नोलॉजी क्या है, एक साइंस और टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन है, जिससे क्या है जो फूड को हार्वेस्ट करने यानी काटने के बाद उसका प्रोटेक्शन करना, कंजर्वेशन करना, उसकी कैसे प्रोसेसिंग होगी, पैकेजिंग होगी, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मार्केटिंग होगी, कैसे उसका यूटिलाइज होगा ताकि फूड भी मिले जो डिमांड है और उसमें न्यूट्रिएंट्स भी कम ना हो। ठीक है, तो ये पोस्ट हार्वेस्ट लेसन में वाले लेसन में अपने प्रॉपरली किया है। एक डेफिनेशन इसकी सिंपल डेफिनेशन दे रखी है, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी इज सेट ऑफ हैंडलिंग प्रैक्टिस एंड एप्लीकेशन दैट प्रोटेक्ट द क्वालिटी ऑफ फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल फ्रॉम द टाइम ऑफ हार्वेस्ट अंटिल द टाइम ऑफ कंसम्पशन। ठीक है, ये सिंपल सी डेफिनेशन हो गई है, वैसे रेफरेंस में डेफिनेशन ये बेटर रहेगी, बट सिंपल डेफिनेशन ये है कि बस उसको पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी सेट है कि हैंडलिंग किस तरह से अपने हैंडलिंग प्रैक्टिसेस करेंगे ताकि फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल क्या है हार्वेस्ट करने के बाद वो कंजप्शन तक खराब ना हो। ठीक है, नेक्स्ट अपना 28 क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टर्म प्लांट बेस्ड बायो फर्टिलाइजर विद एग्जाम्पल। ठीक है, अब आप ये मत कहना कि सर बायो पेस्टिसाइड तो कट गया है, नहीं, उसकी जो है मेथड कटा है, प्रिपरेशन का मेथड कटा है, आपकी एग्जाम्पल और डेफिनेशन पूछी जा सकती है। ठीक है, तो याद रखना प्लांट बेस्ड बायो फर्टिलाइजर की क्या डेफिनेशन है। प्लांट बेस्ड बायो फर्टिलाइजर आर नेचुरली एक्योरिंग प्लांट मटेरियल दैट मे बी क्रूड प्रिपरेशन ऑफ प्लांट पार्ट ग्राउंड टू ए प्रोड्यूस ए डस्ट और पाउडर दैट कैन बी यूज इन फुल स्ट्रेंथ और डिल्यूट फ्रॉम इन कैरियर एट सच ए क्ले टॉल्क एंड डेटेमियस अर्थ। ठीक है, तो प्लांट बेस्ड बायो फर्टिलाइजर स्टूडेंट क्या होते हैं, प्लांट मटेरियल होते हैं जिनको क्या है प्रिपरेशन करते हैं, क्रूड प्रिपरेशन का मतलब कच्ची अवस्था में प्रिपरेशन, जब उनको तोड़ा जाता है प्रिपेयर्ड किया जाता है, तो उनको डस्ट या पाउडर फॉर्म में हम प्रिपेयर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर नीम की निमोली का पाउडर बनाकर क्या है हम उसको यूज़ कर सकते हैं, या नीम की पत्तियों का लिक्विड बनाकर क्या है हम उसे यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल दिया है एजाडी रेक्टिन जो है नीम के अंदर होता है, जो कि एंटी इंसेक्टिसाइड और एंटी फंगल प्रॉपर्टी है एजाडी रेक्टिन। ठीक है, इफेक्ट द रिप्रोडक्टिव एंड डाइजेस्टिव प्रोसेस ऑफ पेस्ट। ठीक है, ये क्या करता है इंसेक्ट के डाइजेस्टिव और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इफेक्ट करता है। सेवरल प्लांट बेस्ड इंसेक्टिसाइड है, निकोटिनोइड है, निकोटीन होता है स्टूडेंट टोबैको में, तंबाकू के अंदर निकोटीन होता है जिससे निकोटाइड्स पेस्टिसाइड बनता है। नेचुरल पायरेथ्रम है,
ठीक है। पायरेथ्रम जो बनता है स्टूडेंट किससे बनेगा, ये गुलदाउदी के प्लांट से बनता है पायरेथ्रम इंसेक्टिसाइड, रेटिनॉइड्स है, नीम प्रोडक्ट एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन विद एग्जांपल हो जाएगी। 29 क्वेश्चन है, नेम डिफरेंट बी स्पीसीज विच प्रोड्यूस हनी। हनी प्रोड्यूस करने के लिए डिफरेंट स्पीसीज की अपने बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी हैं चीज़ें, तो ऐसे ही मैं बता देता हूँ। एपिस डोरसेटा है, ठीक है, रॉक भी बोलते हैं, लेकिन इसको डोमेस्टिकेट नहीं किया जा सकता है। डोरसेटा सबसे ज़्यादा शायद देती है, लेकिन इसको डोमेस्टिकेट नहीं किया जाता है, बिकॉज ये फिरोशियस होती है, कूर होती है काफ़ी, ठीक है। एपिस इंडिका जो है उसको डोमेस्टिकेट किया जाता है, इंडियन भी है एपिस इंडिका, लिटल भी एपिस फ्लोरा है, इसको भी इतना डोमेस्टिकेट नहीं किया जाता, लेकिन शायद होता है, नाम मात्र ही, ठीक है। और एपिस मेलीफेरा है जो ज़्यादा पाली जाती है इंडिया में, द यूरोपियन भी बोलते हैं इसको। तो इंडिया में दो ही डोमेस्टिकेट होती हैं, एपिस इंडिका और एपिस मेलीफेरा, लेकिन ये शायद चारों ही प्रोड्यूस करती हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो ये बात अपने को पता होनी चाहिए। 30 क्वेश्चन है, डिफाइंड इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, IPM को डिफाइन करना है। तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट दैट मेथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल विच यूटिलाइज ऑल सुटेबल टेक्निक ऑफ पेस्ट कंट्रोल टू रिड्यूस पेस्ट पॉपुलेशन एंड मेंटेन देम बिलो इकोनॉमिक इंजरी लेवल। इकोनॉमिक इंजरी लेवल स्टूडेंट वो होता है, लेवल होता है जहाँ पर क्या है, अपनी क्रॉप पूरी तरह से डैमेज होने का खतरा रहता है, तो उस टाइम पर क्या हमें केमिकल स्प्रे करना चाहिए। लेकिन IPM का यूज़ करते हैं जब इकोनॉमिक इंजरी लेवल से बिलो रखने के लिए इंसेक्ट को, ठीक है। तो ताकि प्लांट पॉपुलेशन को कम किया जा सके और उन्हें मेंटेन किया जा सके उनके पॉपुलेशन को, तो सभी टेक्निक का ये कॉम्बिनेशन होता है। इनलिस्ट वैल्यू एडिड प्रोडक्ट ऑफ वीट, वील की वीट के कुछ वैल्यू एडिड प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं अपने। तो क्या 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 वीट से बनता है स्टूडेंट, तो वीट से ब्रेड, पास्ता, नूडल, क्रैकर्स, बिस्कुट, सेवियंस, केक, मुफिन, कुकीज़, ये सारी चीज़ें वीट के वैल्यू एडिड प्रोडक्ट हैं, तो लिख सकते हैं अपने। लास्ट क्वेश्चन है, डिफाइन वर्मी कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्ट को डिफाइन करना है। तो वर्मी कंपोस्ट की डेफिनेशन क्या है, वर्मी कंपोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग ऑर्गेनिक डेब्रिज इनटू वर्म कास्टिंग, ठीक है। ऑर्गेनिक डेब्रिज जो होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल है, उसको कन्वर्ट कर देना, उसको डिकम्पोज कर देना अर्थवर्म के द्वारा। द वर्म कास्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट टू द फर्टिलिटी ऑफ सोयल, ठीक है। वर्म जो कास्ट होती है, जो कास्ट होती है अर्थवर्म की, वो काफ़ी क्या बेनिफिशियल होती है सोयल के लिए। द कास्टिंग कंटेन हाई अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है, ये सारी चीज़ें ज़्यादा होती हैं। कास्टिंग कंटेन 5 times द अवेलेबल नाइट्रोजन, मतलब 5 times ज़्यादा उसमें नाइट्रोजन होती है, 7 times ज़्यादा पोटाश होता है, एंड 1.5 times मोर कैल्शियम देन फाउंड इन गुड टॉप सोयल, ठीक है। 1.5 times ज़्यादा कैल्शियम होगा किससे, जो मिट्टी की टॉप सोयल है उससे 1.5 times ज़्यादा होगा। इट इज़ एक्सपेंसिव एंड ओनली टेक 2 to 3 months टू प्रोड्यूस वर्मी कंपोस्ट, ठीक है, सस्ती पड़ती है और 2 to 3 months में ये प्रिपेयर हो जाती है। तो स्टूडेंट 2 to 2 marks वाले अपने सारे क्वेश्चन हो गए हैं, 3 to 3 marks वाले क्वेश्चन अपने कल डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। आर की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन, स्टे होम स्टे सेफ।